हेलो बॉयज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो कुछ नए अंदाज में, कुछ नई कार में। भाई तू बहुत बड़ा गोलीबाज है कसम से। मुझे जो मेरे सरप्राइज के मेरे व्यूअर्स हैं ना, मुझे ऐसी कुत्ते लगी कि वह से तूने गाड़ी लेनी नहीं तो तू साथ क्या करने गया। मेरे ना व्यूअर्स ने इतनी लेनी की मतलब कि हुआ। अच्छा मतलब तुम्हें मैं बताता हूँ हुआ क्या है। जरा शॉर्ट फॉर्म में बताइए। हुआ ये है कि जिस बंदे से मैं लेनी थी गाड़ी, वो बंदा बहुत ज्यादा डरा हुआ था, ऐसा कैसे घबराया हुआ। उसकी वीडियो बनाते जाके हमने उसे ऐसे मैं गाड़ी नहीं देनी। वो छोड़, तुमने नहीं लेनी थी, इधर मुड़ जा। नहीं नहीं लेनी थी, बाद में प्लान चेंज हो गया ना। भाई कहते नहीं पे अभी रखो, अच्छे ख्वाब दिखा के। अब ये हामिद गए थे, मेरे ख्वाब तोड़ दिया। अच्छा अब्बा जी ने ख्वाब दिखाए थे। हाँ। यार बात पता क्या, सिंपल सी बात ये होता है। यार बस सिंपल सी बात ये है कि मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि मेरा कोई फायदा नहीं है, मतलब कि मुझे कोई हासिल वसूल नहीं है वो मसला। लेकिन मेरे दोस्त को एक चीज मिल जाएगी मुझे ज्यादा खुशी होगी, ठीक है ना। तो अब चलें, माशाल्लाह मुबारक हो। ये कौन सा मॉडल है, क्या? हाँ नहीं यार, अच्छी गाड़ी। कौन सा मॉडल है, क्या चीज है, बताओ भाई। ये किस मॉडल है? सिविक एक्स। सिविक एक्स 1.8 ओरियल, ठीक है। और बस और क्या? अच्छा बता कर रहा हूँ यार, माशाल्लाह मुबारक हो यार, फुल ऑप्शन है। कल्टस से इस पे आए, मतलब यकीन नहीं आ रहा कि मेरे पास आ गई है। चलो माशाल्लाह, ऐसी बात है। तो अभी हम किधर जा रहे हैं? अभी हम इसकी जा रहे हैं डायमंड कराने यार, वो पीपीएफ के लिए दिखाना है। चलो पहले तुम ये लाइमंड वाले दिखा दो ना, या वापसी में दिखा। हाँ ठीक है, पहले लाइमंड वाले के पास चलते हैं, बस इधर कॉल कर लूँगा। तो बॉयज अभी हम जा रहे हैं ऑटो मार्केट, जहाँ पे हमने सारा बचपन गुजारा था। हाँ जी, आपका बोलो। इससे मैं गाड़ी लिया, पूछा मैंने कि एस का मतलब क्या है। कहते हैं एस का मतलब है लो, एल का लो, एस का हाई पे। एस का मतलब स्लो। मैंने कहा ओए यार तू गाड़ी चला रहा था, क्या कर रहा था यार। दादी से कहता आपने डी से एस पे नहीं आना एकदम। क्यों? गे खराब हो जाएंगे। वो हमारे खानदान में भी है सुना के थोड़े साइको। वो कोई अच्छी चीज मिल जाए ना, वो अच्छी चीज मिल जाए ना तो थोड़े से वो सेंसिटिव हो जाते हैं। ये है कि आप 80-90 की स्पीड से ऊपर ना इसको चेंज ना करो, ज्यादा बेहतर है। एस 90 पे हो तो आप एस पे ले आओ, कुछ भी नहीं होता यार। आप एकदम मतलब आपको किसी ने मतलब के उंगली की है, ठीक है ना, तो आपने डायरेक्ट एस में डालना है भैया, गुड टू गो, पूरा जहाज है वो। चल भाई ये देख पैंपर पड़ा हुआ। ओके, ऑटो मार्केट के अंदर एंट्री करते हुए यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है भाई। 2018 से जब YouTube मैंने स्टार्ट की थी ना, तो यहीं से की थी। अब ना लोग शाये हो गए हैं, अब ना वो कहते हैं कि जी भाई हमारा प्रोजेक्ट दिखे ही ना, बस जाने दे जाने दे जाने दे। थैंक यू। अगर अलाइनमेंट वाला ना खुला हुआ तो इधर होता है वैसे। अनफॉर्चुनेटली दुकान बंद है आज। चल PPF दिखा दे, I9 तक चलते हैं। अलाइनमेंट यार अब मुझे और किसी पर ट्रस्ट नहीं है, बंदा था इसके पास मशीन भी अच्छी थी। चल रहा है उधर चलना, मैं तो बताता हूँ, शायद उनसे पता कर लेते हैं। I9 चलना है। A few moments later. So guys, अभी हम आ गए हैं स्मार्ट सर्विसेज, और जहाँ पे इधर भी हमारा बचपन गुजरा है भाई। अच्छा ये एक PPF हुई भी है, ये कलर PPF है। हाँ नार्डो में कलर PPF है, ये कलर नहीं हुआ, नार्डो ग्रे, ठीक है ना। हाँ तो इस तरह की चीज़ है। अगर तुम कलर जो होते बोलते नहीं गाड़ी चल रही है रास्ते में, वो कहते नहीं कि आपको कलर चेंज हुआ गाड़ी। मज़दा के चार कलर चेंज कर चुके हैं लोग आजकल, हर नई गाड़ी पे भी कर रहे हैं। तो कोई इशू नहीं पुलिस ये इतना कोई लीगल, बाहर के मुल्क में थोड़ा बहुत है, इधर नहीं। ओह तेरी अलाइनमेंट वाली मशीन भी इधर लगी है बाबा जी, बड़ी डिजिटल मशीन है। लेकिन मैंने पता की अभी ये चालू नहीं हुई, 4-5 दिन तक होगी चालू, क्योंकि ये सारी कंप्यूटराइज है। वो काम ये अच्छा करते हैं, दिल से करते हैं, क्योंकि आप देखो ना कि यहाँ पे इतनी बड़ी गाड़ियाँ कोई खड़ी करके गए, कुछ समझ आती है, करोड़ों ही गाड़ियाँ यहाँ पे, ठीक है ना, कोई वजह है तो खड़ी करके गए। अब आ यार उधर एक PPF हो रही है, वो मैं दिखाता हूँ गाड़ी, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले गाड़ी सबसे पहले इस तरह पहले डिटेल हो चुकी है ये, ठीक है ना। अब हल्का सा पानी मारेंगे इसको, ठीक है ना, शैम्पू से जो भी करना है, फिर गाड़ी ले जाएंगे PPF के लिए। हाँ आइए अभी वो करेंगे ना अंदर से भी, ये इसीलिए तो खोली कि अंदर का भी सारा ये मवाद जो है ना सारा साफ़ कर लें। अब जो PPF हुई है वो दिखाता हूँ। ये अब ये वाली हुई भी है PPF, तो इसको कम से कम 1 साल हो चुका है, जो कि वर्कशॉप के भाई ने बताया, ठीक है ना। ऊपर से पता नहीं लगेगा, नहीं पता लग रहा कहीं से, बस ये एक किनारी पर जाकर कहीं से देखोगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नज़र आएगा कि
ये PPF की, ये सिर्फ आपको ना PPF कराने के बाद यहाँ पे 5 महीने बाद 4 महीने बाद आके इंस्पेक्शन करानी पड़ती है। तो इस तरह के जब गैप्स निकलते हैं तो ये उसको सॉल्ट आउट करते हैं जो भी करना होगा, ठीक है ना। मैंने कहा था ख़रीद ले, अच्छी भली बुकिंग कराने लगे थे, इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब आपको सर्किट चलाना होता है ना आपको, हाँ जाहिर बात है सही चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। ये गाड़ी कितने की ली थी वैसे? 64-70। बहुत अच्छी खरीद है। और कितनी चली हुई? 40। 21 मॉडल है, अच्छी चली। चलो अभी ये आपकी गाड़ी भी इंस्पेक्शन करवाते हैं और देखते हैं रेट वगैरह क्या देते हैं, बाकी ये देख ले भाई। ये बॉयज 1 साल हो गया इसको PPF हुए। यार कलर कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है अंदर, ये भाई बरगंडी कहते हैं, पता नहीं मैं भूल गया हूँ कलर क्या कहते हैं इसको, बहरहाल अच्छा कलर है, नाइस। सर इसको अभी हमने शेड कार्ड्स दिखाए हैं, ये सारे PPF हैं, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट में भी काफ़ी शेड होते हैं। अब इसके ऊपर नैनो PPF होगा, ठीक है, नैनो होता है क्या, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और बिल्कुल कोई भी शेड नहीं होगा। डिफरेंट कार्स होती हैं जिसको शेड्स की ज़रूरत पड़ती है, या तो डिमांड्स भी इस तरह की होती हैं जिनको शेड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो बहरहाल इस पर नैनो ही होगा। और वर्षा वालों ने कहा शर्त यह है कि गाड़ी जेन्युइन होनी चाहिए, अगर जेन्युइन कहीं से पेंट हुई तो कभी कभार ये होता है कि PPF सेटिंग के टाइम उतारें तो कभी कभार पेंट भी हाथ में आ जाता है, तो इसलिए जेन्युइन पेंट होगा तो तब आपकी गाड़ी ना फर्दर काम करेंगे। और खैर इसने अभी तो नहीं देनी गाड़ी, अभी हम एस्टिमेट लगवाने आए थे, तो 295 रेट है विद डिटेलिंग। और अब आप देख लें, आप महंगा तो है भाई, सीधी सी बात है, मैं तो कहूँगा भाई एक्सपेंसिव शौक है, लेकिन इसमें यह कि गाड़ी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट हो जाती है। और अभी मैं तकरीबन सारी दिखा दी है, जब ये देने आएगा इंस्पेक्शन होगी फिर उसके बाद हम बात करेंगे। खैर अभी तो मैंने आपको सीधी सी बात है अलाइनमेंट के लिए निकले थे और मैंने कहा चल तेरी गाड़ी के PPF का एस्टिमेट भी लगवा लेते हैं। तो ये इसकी प्राइस है और फर्दर डिस्काउंट जो भी हुआ वो मौके पर हो जाएगा अगर इसने करवा, मतलब अगर इन्होंने कर दिया तो। वैसे ये फिक्स प्राइस होती है ओवरऑल PPF सेंटर्स की। चला जी एक गाड़ी का मुझे यहाँ पे काफ़ी इंतज़ार था और वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो इसलिए ज़रा गौर से देखिएगा। तो ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, गाड़ी ऐसी ही खड़ी थी और मर्सिडीज़ की ये काफ़ी मतलब कि मेहनत हो रही है इस पर, क्या चीज़ बनेगी। तो ये जो इनके ऑनर हैं जो भी तैयार कर रहे हैं, इन्होंने इसके ऊपर सारा जेन्युइन सामान, जेन्युइन इंजन, सब कुछ ओवरऑल जेन्युइन ही किया है। रिस्टोर हो रही है ये गाड़ी और काफ़ी टाइम लगा इस पर, आप सीटें हैं देखें इसकी, तो पोर्चेस वगैरह खुली कि नहीं ये देखें, इंटीरियर तकरीबन सारा कुछ मीटर तक जेन्युइन लगा हुआ है, देख सकते हैं सीट्स भी इसकी, सोफ़ा सीट जेन्युइन है। तो ये तैयार हो रही है और ये देखें दरवाजे, बाकी इधर भी आपको कार्स कुछ दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम घर की तरफ चलते हैं। इधर क्या कर रहा है, दोबारा आ गया दोस्त। तो बॉयज़ देखें जी यहाँ पे कुछ गाड़ियों काम हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन भी होती है अगर किसी ने करवानी हो, शौक किया आना हो इधर जरूर। स्वैप भी मतलब कि कन्वर्जन बाहर की अपलिफ्ट से फेस लिफ्ट जिससे कहते हैं, तो वो भी होती है, तूने आना हो तो ज़रूर है, मैंने इनके पैसे खाए हैं, ठीक है ना, इसलिए रिकमेंड कर, मजाक कर रहा हूँ यार। बाकी इधर से जो भी काम कराना है इजी होकर सीन है, अपनी वर्षा भी एक किस्म की। ले भाई सब कुछ खोल दिया, इसे कहते हैं डीप डिटेलिंग, ये देख पूरी गाड़ी खोल दी है, नहीं नहीं डीजल नहीं है भाई, डिटेलर है वो, देख डीजल तो बर्बाद कर देता है, डीजल नहीं, डीजल नहीं मरवाना चाहिए, डीजल लोग कहते हैं कि वो आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो वो डस्ट कैच करता है ना वो स्लज बन जाता है, स्लज बन जाता है। चले कुछ समझ आई इनकी, चलो कैसे ऐसे। चले प्यारे भाइयों अभी हम चलते हैं, आज का शॉर्ट ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, रिलेटेड टू क्या कहते हैं डिटेलिंग, नहीं सॉरी PPF। तो खैर आज मैंने जाना था, आज फ्राइडे था, आज मैंने जाना किधर था, मेरा दिल था एक नस्ट यूनिवर्सिटी में हो रहा था ऑटो शो, तो मैं कहा जाता शुगर लगाता, लेकिन मेरे दोस्त ने मना कर दिया, दोस्त कहता है कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पे, भाई छापड़ी छापड़ी कहते हैं क्या कहते हैं छपड़ी, हाँ वो वहाँ आई होगी, मैं कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो खैर वो बुलाया भी नहीं था, एंट्री वगैरह मसला हो जाना था, इस वजह से मैं नहीं गया। मेरे समझ नहीं आई ये कैमरा क्यों दिया मैंने, इसका क्या काम है यार फ्रंट पे, हाँ
चलता है वही। कितना खौफनाक कैमरा है ये, कहां आवे सके डर से। नहीं इसका पर्पस क्या है पता नहीं, मोटो ब्लॉगिंग। ओ मोटो वगैरह अपनी ब्लॉगिंग करने के लिए स्क्रीन में बैठ के सके देखो अपनी। नहीं यार मुझे इसको समझ नहीं आई इसकी कि वो क्यों है किस लिए है। अच्छा रियर भी ऑन कर सकते हैं ठीक है। बॉयज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं किस लिए। और एक आज एक सिविक में एक और चीज़ पता लगी, एक तो गरीब के हाथ कोई चीज़ लग जाए ना उसको समझ नहीं लगती मेरे हाथ में। बाकी पहली बार रहा जब उठाया मैं बटन है किधर है बटन काम ही नहीं कर रहे हैं पीछे। अच्छा वो लॉक हुए होंगे ये देखना। मैं अब ये देख रहा हूँ मैं गया गाड़ी अनलॉक कर देखा था वहाँ भी बटन है। मैं ये क्या, ये मैंने पहली बार देखा है वैसे कि पैसेंजर के लिए भी ऑप्शन दी हुई कि अनलॉक कर सकता है, मुझे नहीं आइडिया था। होप यू गाइस आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, मैंने ना सिर्फ आज इसके साथ निकलना था, मैं कहा चलें आज की जर्नी दिखा देते हैं आप लोगों को। अगर इस तरह की जर्नीज आपको पसंद आती हैं हमारी डेली लाइफ की तो हम कोशिश करेंगे आपके साथ वीडियो अच्छी से अच्छी शेयर करने की। अगर आप कोई अच्छे से अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं तो उसको और टाइम लगता है, जिस तरह कभी ड्रैग रेस इवेंट था आपके भाई ने फुल टाइम मेहनत की उसके ऊपर और आपको दिखाया। सिनेमैटिक्स रह गए बिकॉज उधर एक एक गाड़ी दिखानी थी और सिनेमैटिक ड्रीम था। ऑटो शो पर ये सिनेमैटिक वाला सीन हो सकता है तो ऐसे जो है ना इवेंट्स इस पर नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।